भाई आप कुछ टूल्स लाए हो तो हम तुरंत वो टूल्स देखना चाहते हैं तो इससे पूरी आप कार खोल सकते हो कार ओपन हो सकती है कोई भी कोई भी कार बीट मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू कार एक्सेप्शन है केवल वो कीज होती है ना जिसमें आपको अनलॉक नहीं करना पड़ता तो डायरेक्टली आप एंटर करते हो मतलब आप कार के नियर बाय जाओ तो ओपन हो जाती है अपना बहुत सारी अच्छी खासी कार्स में आ रहा है तो वो उस फीचर को छोड़ के बाकी सब बेसिकली अगर ओपन करने के लिए तुम टैप टैप कर कर रहे रहे हो हो अपना तो, आप तो आप एक्सेसिबल है हाँ एक अनलॉक कोड दबा रहे हो ना आप बेसिकली hmm. वो अनलॉक कोड को आप इंटरसेप्ट कर रहे हो और उस अनलॉक कोड को दोबारा रिप्ले कर रहे हो तो आपका आपका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगी ना गाड़ी और आप बट उसके लिए

मंगा सकते हो बाहर से वो उससे आप अनलॉक कर सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ अनलॉक होती है विदाउट चाबी नहीं वो चाबी ही होती है अच्छा। वो चाबी वो इंजन कर सकते हैं हाँ वो चाबी आपको क्या करना पड़ेगा ना आपको वो चाबी इं, इंसर्ट करनी पड़ेगी वो प्रॉपर सिलेंडर को आपको सेट करना पड़ेगा अच्छा। तो आ, उस इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉक पिकिंग पास टूल्स हैं मैं वो दिखा सकता हूँ थोड़े बहुत

इससे आप एयरप्लेन भी इंटरसेप्ट कर सकते हो जो फ्लाई कर रहे हैं ना हाँ। आप इनफैक्ट उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो बट वो इलीगल है, है। अच्छा। 60, सस्ता वैसे अगर किसी को गाड़ी चुरानी है सामान चुराना है तो भाई अमेजोन से मिल जाएगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रहे किसी को कोई चोरी चकारी गलत काम बिल्कुल नहीं हाँ भाई नेक्स्ट डिवाइस बस ये मतलब इलीगल पर्पज़ के लिए तो आप बिल्कुल भी यूज मत करिए आप अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये एक टूल है इसको बोलते हैं हैक आर एफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेडियोज लाइट ऑन हो रही है यहाँ पर एंटीनाज है राइट आप ये भी बहुत छोटा एंटीना है बट आप एक बड़े एंटीना कनेक्ट करके आप इनफैक्ट जो भी ऊपर एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं आप उनको इंटरसेप्ट कर सकते हो उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो बट वो इलीगल प्रोसेस है तो इसमें एक ओ रन कर रहा है जिसको हम मेहम बोलते हैं उसके बाद आप जैसे आप ये ओपन होगा आप सिंपली जो भी गाड़ी आपको खोलनी है उसके पास जाके आपको फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करनी पड़ेगी हम गाड़ी चोरी करने सिखा रहे हैं यार? भाई, गाड़ी बोल गई नीचे कोई ऑन होता ही <laughs> ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट करता है और देन उनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो इसका एक हायर वर्जन भी आते हैं जो आप इनफैक्ट थोड़ा बड़े वाले आपको एटीना चाहिए होंगे आपको सेटेलाइट इंटरसेप्ट करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो फिर उसको फर्दर मोर आप उसको हैक भी कर सकते हो सेटेलाइट को या डाउन भी कर सकते हो वो डिपेंड करता है भाई ये कितना यूज होता है फ्रीक्वेंटली इंडिया में गाड़ी आपको पता है कि इंडिया में नहीं यूज, नहीं यूज होता है ये बाहर बहुत यूज होता है यूएस दिखा दिया तो अब होने लग जाएगा यार पर ऐसा करना मत यार कोई यूज मत करना इन्फॉर्मेशन शेयर करना पर्पज होता है हम कुछ प्रमोट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें भाई नेक्स्ट क्या है पिटारे में भाई इतना बड़ा बैग लेकर आए इसको बोलते हैं पाइनएपल भाई ये इससे क्या होता है भाई ये एक्चुअली फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के काम आता है तो लेट से आपका कोई टारगेट है कोई बिल्डिंग टारगेट है राइट कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या कुछ भी टारगेट है तो आप वहाँ जाइए नहीं हो भाई। इसको कनेक्ट कीजिए और आप उस फेक एक्सेस पॉइंट्स के फेक रेप्लिकाज बना सकते हो जैसे लेट्स uh, से uh, आप इन्फोसिस के बिल्डिंग के पास गए वाईफाई होगा वहाँ पे इन्फोसिस वाईफाई का नाम इन्फोसिस होगा या जो भी होगा आप उसके फेक रेप्लिका बनाइए उनका ओरिजिनल नेटवर्क डाउन कीजिए और फिर सब जो बाकी कंप्यूटर्स होंगे वो फोर्स हो जाएंगे इसको इसमें कनेक्ट होने रेप्लिका पे कर रेप्लिका क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हाँ नहीं मैंने डाउन कर रखा है वो मैंने रियल नेटवर्क डाउन करा हुआ है और ये फेक पे वो कनेक्ट होंगे देन आप उनका डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हो तो उनको पर इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस एक्सेस मिलेगा इसको हाँ, इसको कनेक्ट 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 करने 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 से से क्योंकि मेरे कंप्यूटर में में एक और का डिवाइस होगा होगा जो कनेक्ट कर रहा बट ये ओ, ये ये फेक पॉइंट क्रिएट के काम क्रेजी भाई कभी यूज़ यूज़ किया आपने बहुत हाँ, बहुत बार <laughs> ये तो बहुत यूज होता, यूज होता। <laughs> लोग यूज करते है जनरल

ये आपको पाँच सौ रुपये मिल जाएगा जैसा अरे बस कर दे अभी कैश पेमेंट कर दे <laughs> रात को दो बजे ये काम चालू करो <laughs> हाँ ये दिखा सकता हूँ हाँ। ये एक डी ओथर है।, है ये इंडिया में अवेलेबल है, है। आठ दस हजार का मिल जाएगा अच्छा। ये बहुत फैंसी उन्होंने वॉच में डाला है बट इसमें एक चिप यूज हो रही है नोट थर्टी टू इससे होता क्या है भाई इससे आप एक्सेस पॉइंट डाउन कर सकते हो वाईफाई डाउन करने के काम आता है लोगों के तो ये बहुत छोटा है

अब ये हंड्रेड हंड्रेड तक स्कैन करेगा जो भी आस पास के एक्सेस पॉइंट है फिर जैसे ये हंड्रेड पे होता है उसमें फिर आप डी ऑथर्स लिस्ट आ जाएगी तो ये ये, कौन, ये सा कौन सा है मुझे डाउन करना कौन सा वाई हाँ लिस्ट आ गई अभी हाँ आ गई फाइव एक एक्सेस पॉइंट दिख रहा है ना हंड्रेड अपना नाम तो नहीं आ रहा नाम नहीं आएगा इसमें शायद क्योंकि ये एक बार मैं एक्सेस पॉइंट पर जाके देखा ऐसा ना हो कि कभी फिर चला ही ना हमारा वाईफाई फाई वाले परेशान हो गए भाई बोलेंगे चल जाएगा मैं उसकी फीस लूंगा <laughs> भाई कह रहे हैं आईडी पासवर्ड तुम्हारे चेंज अब तो ये एक हैंडी टूल है और कोई है भाई तिरुप का एक का हाँ एक ये है जब इसको बोलते हैं प्रॉक्स मार्क थ्री ये तो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया इसका अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा था दिखा दो एक बार क्या प्रॉक्स मार्क जब भी आपको एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एंट्री करनी हो तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आपको क्या होता है आर एफ आई होते हैं राइट वो आर एफ आई क्लोन करने के काम आता है तो ये जो एंटीना है ये थोड़ा ज़्यादा दूरी में नहीं बट थोड़ी सी दूरी पर इंटरसेप्ट कर लेगा अच्छा। इसका बड़ा वर्जन इतना बड़ा आता है वो बहुत दूर से भी इंटरसेप्ट कर लेगा अच्छा। तो आ, क्या होता है ना फिजिकल रेड टीमिंग रेड टीमिंग होती है फिजिकल रेड टीमिंग में आपको टारगेट के हाथ तो करना ही है बट आपको बिल्डिंग में भी एंटर करने होते हैं तरीके ढूंढने होते हैं तो आप इधर सोशल इंजीनियरिंग करोगे जो भी वहाँ काम करता है या तो आप ऐसा किसी का कार्ड क्लोन करके एंट्री कर जाओगे अच्छा। किसी के पास सर्वर रूम का एक्सेस है तो उसका कार्ड क्लोन कीजिए दो मिनट लगेगा बैटरी लगाइए इसमें ऐसे फट से अगर उसका नियम आप हाँ करो करोगे कुछ भी गले वाले में उसका कार्ड जैसी टच होता है आप उसका क्लोन कर सकते हो फिर इसका कार्ड आप कार्ड क्लोन होते ही आप यहाँ पर यहाँ पर लगा दीजिए या तो एक और क्लोन बना दीजिए कार्ड भाई आपके पास सारी की सारी इलीगल चीज रखी है आपके बैग में हाँ नहीं थोड़ी बहुत इलीगल है थोड़ी है तो प्रोफेशन भाई को गवर्नमेंट ही हायर कर रही है अब तो क्या करे इसको बोलते हैं पोना गौची नाम इसका ये है बिकॉज इसका ये एक गेमिंग टूल था नाइनटीन नाइनटीज में तो इस वजह से इसका नाम पोना मिल रहा है तो ये जो आप फ्रंट एंड देख रहे हो ये गेमिंग स्क्रीन है ये मैंने अलग से लगाया बट इसका काम क्या होता है इसका काम होता है आप इसको ले जाइए इसमें बैटरी लगाइए छोड़ दीजिए अपने आप जहाँ पे भी आसपास के वाईफाई होंगे ना 2.5 पॉइंट फाइव में उससे भी ज़्यादा के वो बैंड्स के होते हैं बट 2.54 पॉइंट के ये वाईफाई इंटरसेप्ट करेगा और अपने आप क्रैक करना स्टार्ट कर देगा तो इसके बाद लिस्ट विस्ट सब होता है अच्छा। इसका काम है अपने आप स्कैन कीजिए वाई और अच्छा। क्रैक करना स्टार्ट करते हैं अच्छा। तो ये भी एक टूल है भाई ये ऐसा होता है ये टूल कोई कंपनी बना रही है या मल्टीपल कंपनीज खुद बना खुद मतलब आपका एक आइडिया होना चाहिए

बाकी फिजिकली तो हम आप सीधी सैटेलाइट हैक कर दोगे मतलब उसमें <laughs> सैटेलाइट आप इंटरसेप्ट कर, कर सकते हो या और भी है, बहुत वो तो वो चीज़ है तो उसमें थोड़ा करना पड़ेगा और मैं दिखा देता हूँ आपको ये टूल्स होते हैं लॉक खोलने के लिए पैकिंग टूल्स बोलते हैं भाई इनको निकाल के दिखाओगे तो ऑडियंस को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा सो जो भी ताला खोलने लॉक पिकिंग भी हैकिंग का ही पार्ट होता है तो उसमें क्या होता है आपको आपने देखा होगा मूवीज़ में वो कुछ लोहे का उसको चाहिए होता है देन वो खिलाता है वो तो उसमें क्या होता है सिलेंडर हर एक लॉक सिलेंडर सिस्टम्स में काम करता है सिलेंडर एक सिंक में हो तो वो लॉक खुल जाता है राइट चाबी डाल के वो लॉक खुल जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है आपको ट्विस्ट करना है उस वाले मोड पे जहाँ पे वो लॉक ओपन होता है तो ये जो चाबी है इसका काम है वो ट्विस्ट करना और इसका काम है सिलेंडर लोकेट करना अंडर डाल के तो जैसे वो बराबर सिलेंडर के सिस्टमेटिक वे में आ जाएंगे तो आप आप ओपन कर सकते हो भाई मेरी स्कूटी चोरी हुई थी एक बार अब याद है ऐसे कर, ही हुई होगी समझ आ रहा कैसे हुई कैसी तेरी स्कूटी की हालत थी उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए उसके लिए तो बुरा भी नहीं लगा ना इसको भाई बहुत बड़ा क्या बस है? हैंडल ही खुला था। सब चीजें उसकी नाड़े से तो बंधी बनी टायर उसके निकलने को रहे। वैसे सही कह रहे हो भाई वो हो सकता है पत्थर से भी खुली <laughs> हाँ हो सकता है पत्थर की नोक बना के ये मैं दिखा देता आपको ये मैंने बनाया था लास्ट लास्ट टू लास्ट ये आपने खुद बनाया हाँ वाह तो अभी का कंसेप्ट क्या है अभी जो हैकिंग होती है ना वो ड्रोन से भी होती है तो लोग क्या करते हैं एक एफ ड्रोन बनाएंगे फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा लगाएंगे एंड देन उसमें एक डिवाइस लगा देंगे जो माउस जैकिंग के काम आता है मतलब ये बिल्डिंग कॉर्पोरेट के सामने फ्लाई करेगा और जो वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड में जो भी टाइप कर रहा होगा वो इंटरसेप्ट कर लेगा अच्छा। इधर या तो ये या तो ये कॉन्सेप्ट वायर वाले नहीं कर पाएगा हाँ वायर वाले नहीं कर पाएगा आर जे जो फोर्टी आर जे फोर्टी वाइव से कनेक्टेड होते हैं वो नहीं हो पाएंगे जो वायरलेस नेटवर्क में डाउन करके देन कनेक्ट कर पाएगा फेक क्रिएट तो इसको इसको कनेक्ट कर सकते हो तो दो टाइप का अटैक हो सकता है तो उसकेस में ये मैंने बिल्ड किया था उसमें ये ये यूज, यूज हाँ, मैं, अब तो नहीं उड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी फूल गई थी रखे रखे ज़्यादा फ्लाई नहीं करो तो बैटरी इनकी हो जाती है क्रेजी भाई भाई मुझे भाई। तो लग रहा है टेक्नोलॉजी नई आई इसलिए रही है कि वो हैक अच्छे से हो जाए अच्छे से आगे क्योंकि नई नई जो भी आ रही है वायरलेस आ रही है और अब ये आर एफ आई डी वाली जो कार में आती है अच्छे से हैक हो जाए आप कह ही रहे हो ये सारे डिवाइस चलते हैं उसमें हैक करने के लिए ये भी सेम टूल्स ये भी अल्फा कार्ड होता है ये भी ये काम आता है सेवनटीन डी है मेरे पास एक एंटीना इतना बड़ा उसे आप कोई नियर बाय फ्लाई ड्रोन कर रहा है तो उसका कनेक्शन डिसेबल कर सकते हो और वो गिर जाएगा तो उसके भी काम आता है ऊपर से वाईफाई हैकिंग करने के काम अगर आपके आसपास पास कोई ड्रोन हाँ। अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोई फ्लाई कर रहा है ड्रोन तो मेरे पास एक एंटीना है सेवनटीन डी ए बी आएगा वो इतनी बड़ी रेंज क्रिएट करेगा

तो लोग क्या कर देते हैं? अपना मैसेज डाल देते उसमें अच्छा भाई इवन ये रेड लाइट्स और ये सब भी हैकेबल होती है बाहर तो हो चुकी है बट यहाँ इंडिया में नहीं होते इंडिया में रीज़न ये है क्योंकि वो आ, ये मैनुअल है शायद एक अलग से चिप होता है बट बाहर तो हो चुकी है बट इंडिया में तो मैंने देखा नहीं है <coughs> और क्या भाई पिटारे में और भी है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है दो टूल्स हैं तो इसको बोलते हैं यू किलर किलर हाँ तो ये क्या करता है अगर आप इसको देखो एक बार दिखा दो कैमरे पे। तो पेन ड्राइव लग रहा भाई। है नॉर्मल पेन ड्राइव ही है बट अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे इसमें पांच बॉक्सेस बने हुए राइट हाँ। दिख रहे होंगे आपको तो ये पांच बॉक्सेस कैपेसिटर्स हैं तो ये क्या करेगा एनर्जी स्टोर करेगा और जिस भी डिवाइस में आप प्लग करोगे उसका मदरबोर्ड फूक देगा कंप्यूटर क्या है

और फिर जैसे ये पाँच कैपिसोड चार्ज होंगे फिर ये वही पावर दोबारा बदल बोर्ड पर भेजेगा और वो फूक जाएगा बूम भाई वैसे इस सब की पढ़ाई भी करी आपने या कोई कोर्स होता है इन चीज़ों का क्या सीन है इसका ये तो खुद का रिसर्च है अच्छा। रिसर्च और एक्सपीरियंस तो गूगल पे ही आपने बैठ के हमें हाँ स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही किया था बट उसके बाद से तो मैं मैंने टीच भी किया थोड़ा बहुत लोगों को मतलब एजेंट्स को भी मैंने ट्रेन किया है जो उस एजेंसी में काम करते थे क्योंकि मेरे को अब लैब किसी को थपा नहीं है ना उसके बाद उन्हीं लोगों को बैठना तो मैंने उनको ट्रेन किया था इसको बोलते हैं दिस इज़ अ टूल कॉल्ड रबर डकी बहुत पॉपुलर टूल है यूएस में तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको ये टूल पेनड्राइव जैसे ही है बट आप इसको प्लग करोगे तो एंटी वायरस इसको स्कैन नहीं करेगा क्योंकि ये एक एच डब्ल्यू आई डी डिवाइस है तो जैसे आप इसको प्लग करोगे कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर को लगेगा ये कीबोर्ड है ये एक माउस है तो आपने देखा होगा कीबोर्ड और माउस कभी स्कैन नहीं होते एंटी वायरस से तो इसमें मालवेट डाल दीजिए ब्लग कर दीजिए और ये वो, एंटी वायरस को बाईपास कर देगा तो तोड़ है एंटी वायरस का ये इसके थ्रू बहुत बड़े बड़ी कंपनीज और इनफैक्ट गवर्नमेंट्स हाक हुए हैं लोगों ने क्या किया था रशिया ने 2006 में यही डिवाइसेस फेंक दिए थे आर्मी के ऑफिस के बाहर फेंक दिए थे बहुत सारे तो जो यू आर्मी में काम करते थे उनको मिला पार्किंग में उन्होंने उठाया उन्होंने सीधा अंदर जाके अपने सिस्टम में प्लग कर दिया और इस ये इतना फास्ट होता है विद इन अ सेकेंड जो भी आप इसको कमांड दोगे फट से ये एक्सेस कर देगा या आपको आपने इसको कमांड दिया है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके मालवेयर डाउनलोड मार ले तो ये फट से कमांड में ओपन करेगा सारी कमांड पेस्ट होगी और एकदम से एंड हो जाएगा क्रेजी भाई क्या क्या चल रहा है भाई तो ये थोड़े डिवाइसेस हैं